नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। एफसीआई की 5043 पद देखा जाए तो केवल कैटेगरी थ्री में, और इस कैटेगरी थ्री में कहीं ना कहीं केवल तीन ही वैकेंसी। जैसे अगर हम बोलें जो एजी थर्ड रैंक की है, जिसमें आपका एक तो जनरल का आ जा रहा है, एक डिपो आ जा रहा है और एक टेक्निकल आ जा रहा है, तीनों मिला के लगभग 4000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं, जिसके लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े जाने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपसे लगातार आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लगातार हमसे सैकड़ों मैसेज करके बच्चे कॉल करके पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जवाब लेके मैं आपके सामने आया हूँ। यदि आप एफसीआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या तैयारी करना चाहते हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एफसीआई एग्जाम का A to Z सोल्यूशन, तैयारी फॉर्म भरने से लेके और एकदम सिलेक्शन तक पूरी तैयारी के दरमियान परीक्षा प्लस टीम आपके साथ रहेगी। वो चाहे कोर्स की बात हो, चाहे कंटेंट की बात हो, चाहे स्टडी मटेरियल की बात हो, चाहे टेस्ट की बात हो, या फिर कोई मार्गदर्शन हो या फिर स्ट्रेटजी हो, कुछ भी A to Z सोल्यूशन परीक्षा प्लस आपके लिए लेके आ रही है। तो आपके द्वारा बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उन क्वेश्चंस का जवाब मैं लेके आया हूं। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपके द्वारा उठाया जा रहा है वो ये आ रहा है कि विभिन्न पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा क्या। ये बात आपने देख लिया होगा कि टोटल ये जोन वाइज वैकेंसी है, 5 जोन में है, और सबसे ज्यादा वैकेंसी हर बार की तरह नॉर्थ जोन में ही आती है। कारण भी यही है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जितने भी उत्तराखंड ये राज्य हैं, राजस्थान, सब कुछ नॉर्थ जोन में ही आ जाते हैं। और अगर नॉर्थ जोन में आते हैं तो सबसे ज्यादा फॉर्म भी यहीं पे हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी यहीं पे है। अब इस बार क्या किया है एफसीआई ने, एक नियम लाया है कि पहली बात तो आप किसी भी जोन में भर सकते हो, भले ही आप नॉर्थ जोन के हो, आप साउथ जोन में भर सकते हो, आप नॉर्थ ईस्ट जोन में भर सकते हो, किसी भी जोन में भर सकते हो, ये आप एकदम वहां पे आजाद हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टोटल कुल मिला के 7 प्रकार के पद इस बार प्रस्तावित हैं, और ये जो 7 प्रकार के पद हैं इनमें से आप किसी एक ही पद में भर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप 7 के 7ों पद में आप भर पाओ, भले ही आपकी एलिजिबिलिटी हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप केवल एक ही पद के लिए आवेदन डाल सकते हो, 2 पद के लिए आवेदन नहीं डाल सकते। तो ये आपको चूज करना है। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि इतने टाइप के वैकेंसी हैं एफसीआई में इस बार, जूनियर इंजीनियर, सिविल जूनियर इंजीनियर, इंजीनियर। अब जो इंजीनियरिंग किया होगा स्टूडेंट, वो कायदे से जेई के लिए भी एलिजिबल है, इसके लिए भी एलिजिबल है, इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी एलिजिबल है, यहाँ तक कि अगर उसे स्टेनो आती है तो स्टेनो के लिए भी इस बार एलिजिबल है। और सबसे ज़्यादा जहाँ पे है, जैसे असिस्टेंट ग्रेड 3 का डिपो जो है, जहाँ पे 2054 पद है, और इसके बाद जो आपके 2 पद हैं आपके कौन से, जनरल के यहाँ पे 948 पद हैं, और टेक्निकल यहाँ पे इवन इसके लिए भी वो एलिजिबल है। अगर कोई बीटेक किया हुआ बंदा है या फिर कोई अकाउंटेंट किया है, वो सबके लिए एलिजिबल है। बट आप अगर अकाउंटेंट में भर लोगे तो इसमें आप नहीं भर पाओगे, या फिर आप किसी भी इन 7ों में से कोई एक ही पद पे आवेदन कर सकते हो। दूसरी बात कि आप किसी भी एक ही जोन में कर सकते हो, मल्टीपल जोन में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, इस कारण से आपको थोड़ा सा सोच समझ के फॉर्म भरना होगा। एक ही पद आप यहाँ पे कर सकते हो, और मैक्सिमम जो पद आए, जब मैक्सिमम फॉर्म आएंगे, मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम फॉर्म डिपो वाले में आएंगे, और उसके बाद आपका जनरल में आएगा, फिर आपका टेक्निकल में आएगा। तो ये 3 पद पे सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन टोटल 7 प्रकार के पद हैं, तो आप किसी एक में ही चूज कर सकते हो। दूसरी बात है, क्या दूसरे जोन से फॉर्म डाल सकते हैं, मैंने इसका उत्तर आपको दे दिया कि आप दूसरे जोन से फॉर्म डाल सकते हो, लेकिन अगर आप डालोगे तो एक ही जोन से एक बार में अप्लाई कर पाओगे, दोबारा नहीं, दूसरे जोन से नहीं कर सकते हो। बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि अगर हम सारे वैकेंसीज के लिए करें तो हमारा 800 करके ऐसे बहुत सारी फीस कटेगी। आपको 800 रुपए ही आवेदन करना है, वहां पे वो पहली बार में जब फॉर्म ओपन होंगे 6 तारीख से, तब पहली बार में पूछेगा आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हो, मल्टीपल पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हो। ग्रेजुएशन में कितने परसेंट वाले एलिजिबल हैं, इस बार क्या किया है एफसीआई ने, सारे जो कैप है ग्रेजुएशन का, परसेंटेज कैप हटा लिया है। आप बस पास हो, आप ग्रेजुएशन पास हो, इसकी जो तारीख है 1 अगस्त से ले रहा है, और 1 अगस्त के बाद, 1 अगस्त से पहले पहले अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या फिर आपके मार्कशीट है, प्रोविजनल है, तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। आपसे कोई भी परसेंटेज कैप नहीं मांगा है, जस्ट पास का यहाँ पे मांगा गया है। फिर आपका है पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, पेपर ऑनलाइन होगा, और इसका कोई भी पेपर आपको बाहर मिलेगा नहीं। रिस्पॉन्स की आएगा वो भी केवल पैनल पे आएगा, वहाँ से आप आंसर की केवल चेक कर सकते हो। पेपर फेज 1 फेज 2 क्या है, तो मैं इसे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फेज 1 फेज 2 है क्या।
ये हमारी किताब है FCI के में जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं वो है। मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ फेज वन फेज टू क्या है। देखिए दो प्रकार का पेपर होगा, एक फेज वन होगा, फेज वन सभी के लिए कंपलसरी है, आप किसी भी पद के लिए आवेदन करोगे एक ही पेपर आपका आएगा, कॉमन पेपर होगा, कंपलसरी पेपर होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग इन द सेंस कि ये रैंक तो इस पे बनेगी मेरिट के आधार पे, आप फेज टू में जाओगे लेकिन इसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, केवल फेज टू के आधार पे मेरिट लिस्ट फाइनल की बनाई जाएगी। तो फेज वन में आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन में 25-25 क्वेश्चन सब में पूछे जाएंगे, 25 मैथ्स 25 रीजनिंग, 25 मैथ्स होगा, 25 रीजनिंग होगा, 25 GS होगा और 25 इंग्लिश होगा। एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और आपका एक घंटे का पेपर होगा, दो घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का पेपर होगा, 1/4 निगेटिव होगा। फेज टू है, फेज टू में आपके अलग अलग एग्जाम के अलग अलग पेपर होंगे, कुल आपके 4 पेपर होंगे, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री और पेपर फोर। कॉम्बिनेशन के हिसाब से पेपर कराया जाएगा, जैसे जो डिपो वाला पेपर है, डिपो वाला एग्जाम है, ऐसे ही जनरल वाला है, और ऐसे ही जनरल और डिपो इनके लिए केवल पेपर वन होगा, और ऐसे अगर आप टेक्निकल हो या फिर जेई के लिए आवेदन कर रहे हो या फिर अकाउंट के लिए आवेदन कर रहे हो तो आप पेपर वन पेपर टू दोनों देना पड़ेगा, स्टेनो के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो केवल पेपर थ्री देना पड़ेगा, और यहाँ पे पेपर फोर कायदे से पहले होता था, इस बार हिंदी में क्या किया टाइपिस्ट को इंक्लूड कर लिया है तो इसमें भी पेपर वन और पेपर टू ही होगा, ठीक है। लेकिन पेपर टू इसका जो होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, इसका पेपर टू क्या होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, 20 क्वेश्चन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसके बाद आपके 4 क्वेश्चन लिटरेचर से पूछेगा, 4 क्वेश्चन भाषा के नियम से पूछेगा, ऐसे ही करके 4-4 क्वेश्चन पूछेगा, तो 40 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट ट्रांसलेशन से आ जाएंगे और बाकी 20 क्वेश्चन में 4 लिटरेचर, 4 रूल्स, 4 बाकी भाषाओं की सारी चीजें, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। 5 टॉपिक ऐसा है उसको मैं अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। तो ये आपका फेज वन फेज टू है, ये आपका फेज टू से ही मेरिट आधार बनेगी, लेकिन फेज वन क्लियर करना सभी के लिए जरूरी है, और यही इस पे लगभग 15 गुना बच्चे फेज टू में, वैकेंसी के 15 गुना बच्चे फेज टू में बुलाए जाएंगे, और वो 15 गुना कहाँ से होंगे, फेज वन से सेलेक्ट किए जाएंगे। तो ये आपके लिए एक जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। अगर आप FCI के आप परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो टीम परीक्षा प्लस बहुत ही बेहतरीन कोर्स चला रही है, और इस समय 80% लगभग 75% आपका डिस्काउंट चल रहा है, और 3000 का बैच मात्र 799 में अवेलेबल है। इसमें आपको मिल क्या रहा है, आपको लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, लाइव क्लासेस के बाद ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है, उस क्लास को आप डाउनलोड भी कर सकते हो और आप उसे कई बार देख सकते हो, ये फीचर्स दिया गया है। नोट्स आपके बहुत ही अव्वल कैटेगरी के होंगे, बहुत ही अच्छे कैटेगरी के होंगे, ये आपके जैसे सामान्य अध्ययन का ये मैंने आपको कवर लाके लगाया है, ऐसे ही मैं उसका मैं बुक का भी डेमो आपको दे दूंगा, लेकिन ये आपका ऐसे सामान्य अध्ययन, ऐसे आपका इंग्लिश होगा, ऐसे आपका बाकी पार्ट है रीजनिंग और मैथ्स हैं वो कवर आपके ऐसे किए जाएंगे। तो ये आपकी किताबें रहेंगी, उसमें जो स्टडी मटेरियल है ऐसे दिया जाएगा। टेस्ट आपका इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट एग्जाम तक करवाया जाएगा। एक बात मैं बता दूं कि एग्जाम इसका जनवरी माह में प्रस्तावित है, कैटेगरी 3 का जो एग्जाम है वो जनवरी माह में प्रस्तावित है, और FCI फेज वन बहुत जल्दी करवा भी लेता है मैं आपको बता दूं, तो समय आपके पास नहीं है। अगर आप ये सोचो कि अब फॉर्म आएगा फिर फॉर्म भरेंगे फिर हम तैयारी करेंगे तो एकदम भूल जाओ, फिर आपसे होना नहीं है। अगर आपको एग्जाम में निकालना है तो सच्चाई यही है, अभी से आप जुड़ जाओ। पेपर का लेवल अच्छा होता है, दूसरी बात सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल आपका टाइमिंग होता है, कट ऑफ नहीं सेक्शनल टाइमिंग होता है, मतलब कि आप एक पर्टिकुलर टाइम को पर्टिकुलर निर्धारित टाइम में ही कर पाओगे, अलग से टाइम नहीं दे पाओगे, मतलब रीजनिंग भी 15 मिनट, मैथ्स भी 15 मिनट, आपका GS भी 15 मिनट और आपका इंग्लिश भी 15 मिनट, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं ले पाओगे ना ही कम कर पाओगे, तो इस कारण से आपको टेस्ट देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। बाकी आपका डाउट सेशन जो होता है वो आपका जूम मीटिंग, गूगल मीट के थ्रू आपका साप्ताहिक रूप से हम लोग खुद आपसे मिलेंगे, और आपकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे आपको कहां पे आप लैग कर रहे हो, कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में पूरा बताया जाएगा। तो बहुत ही व्यापक कोर्स है ये, पेपर वन के लिए है, इवन फेज वन फेज टू दोनों के लिए, मतलब फेज वन में 100 क्वेश्चन के लिए और फेज टू में 120 क्वेश्चन होता है। मैं यहां पे आपको बता दूं फेज टू जो है, हां ये जो फेज टू है इसमें तो 120 क्वेश्चन होता है, और इस 120 क्वेश्चन में आप यहां पे ध्यान से सुन लो, ये एक जो 120 क्वेश्चन होता है इसमें 25 आपका मैथ्स होता है, 25 आपकी रीजनिंग होती है, ऐसे ही 25 आपका क्या होता है इंग्लिश होता है, लेकिन GS का पार्ट जो होता है वो 45 हो जाता है, यहाँ पे GS बढ़ जाता है। कारण क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कंप्यूटर पूछ लिया जाता है, ठीक है, और आपका कंप्यूटर के साथ साथ करंट अफेयर्स का भी या फिर साइंस का वेटेज बढ़ जाता है, जो साइंस है वो 10 नंबर का हो जाता है, तो 10 साइंस हो जाता है, 5 कंप्यूटर हो जाता है, और फिर
आपके बाकी केवल यहाँ पे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जीएस में केवल 3 कोर पूछा जाता है। तो 5-5-5 आपका यहाँ से पूछा जाएगा लगभग, बाकी 5 क्वेश्चन कंप्यूटर, 10 क्वेश्चन साइंस का पूछा जाएगा और 5 क्वेश्चन आपका और भी पूछा जाएगा करंट अफेयर्स। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूँ करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो 20 यहाँ पे टोटल मिला के ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 45 क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा और ये आपका क्या होता है 120 क्वेश्चन का 2 घंटे का पेपर होता है। तो उम्मीद है ये सारी जानकारी जो आपके दिमाग में क्वेश्चन बन के आ रहे थे इसका आपको सारी विशेष चीज़ें पता चल गई होंगी। ये वाला पॉइंट आप विशेष ध्यान देना, इसमें बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है तो उस हिसाब से अभी से आप सावधानी बरतना। चलिए बाकी कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें क्वेश्चन दे सकते हैं, उस पर बहुत डिटेल एनालिसिस करके आपको सारे उसके उत्तर दे दिए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।